16 जनवरी से देश में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत होने जा रही है। इसके लिए देश के 13 शहरों में वैक्सीन पहुंच भी गई है। पुणे के सीएम सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने इस पल को ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण बताया है। तो वैक्सीन को लेकर दुनिया के कई देश भारत की ओर देख रहे हैं। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अंदर की यह वही तस्वीर है जहां कोरोना वायरस पर आखिरी प्रहार की तैयारी चल रही है। 16 जनवरी से देश में वैक्सीनेशन की शुरुआत होने जा रही है और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में कोविशील्ड टीके को युद्ध स्तर पर तैयार किया जा रहा है। मंगलवार की तड़के सुबह जब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से एयर कंडीशनड कंटेनरों में वैक्सीन को देश के अलग अलग हिस्सों में डिस्पैच किया जा रहा था तो पूरे देश ने इन तस्वीरों को देखकर तसल्ली पाई होगी। अब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने सोशल मीडिया पर यह तस्वीर खुद पोस्ट की है जिसमें अदार वैक्सीन लोडेड ट्रक के पीछे बैठे दिख रहे हैं। दो राय नहीं कि अदार पूनावाला ने अपनी टीम के लिए इसे भावनात्मक पल बताया है। ये हमारे सब लोगों को बहुत रिलीफ है, सीरम की टीम को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सब डिपार्टमेंट्स जो साथ में काम किए हैं। तो ये अभी फाइनल हिस्टोरिकल मोमेंट आया कि वैक्सीन एक्चुअली रिलीज होके जा रही है हमारी फैक्ट्री से, तो बहुत खुशी का दिन है। मंगलवार तड़के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से देश के अलग अलग हिस्सों में कोविड-19 टीके की पहली खेप भेजी गई है, लेकिन पूनावाला जानते हैं कि देश के सभी लोगों तक वैक्सीन पहुंचाना उनकी अगली सबसे बड़ी चुनौती है। अभी हमारा मेन चैलेंज है कि पूरे देश को, सब लोगों को ये वैक्सीन पहुँचानी है, तो ये अभी अगला चैलेंज है 2021 का, तो देखते हैं अभी कैसा होता है। कोविशील्ड के 56.5 लाख डोज देश के 13 शहरों के लिए डिस्पैच किए जा चुके हैं। पूनावाला के मुताबिक सीरम इंस्टीट्यूट ने भारत सरकार को 200 रुपये की विशेष कीमत पर टीका उपलब्ध कराया है, लेकिन जरूरी मंजूरी मिलने के बाद यह टीका बाजार में आम लोगों के लिए 1000 रुपये की कीमत पर उपलब्ध होगा। प्राइवेट मार्केट में जो लोगों को पैसा दे के खरीदना है वो 1000 रुपये की MRP में होगी, मगर ये परमिशन आज तक नहीं आई है क्योंकि हम जो वैक्सीन 200 रुपये में गवर्नमेंट को दे रहे हैं और जो वो फ्री आम आदमी को मिलने वाली है, उसका क्या पॉइंट है कि सब हेल्थ केयर वर्कर्स, एल्डरली लोग, जो एज के बूढ़े लोग को देना है पहले। इतना ही नहीं, अदार पूनावाला ने बताया कि कई दूसरे देश भी अब वैक्सीन के लिए भारत की ओर उम्मीद की नज़रों से देख रहे हैं और सीरम इंस्टीट्यूट दूसरे देशों को भी वैक्सीन मुहैया कराने की तैयारी में है। हमने कॉन्ट्रैक्ट्स अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, ब्राज़ील, बांग्लादेश, ये सब देशों के साथ किया है। सब देशों, दुनिया की देशों, सब लोग इंडिया की तरफ देख रहे हैं क्योंकि इंडिया की वैक्सीन प्रोडक्शन जो है सबसे बड़ी है। इस बीच सीरम इंस्टीट्यूट से डिस्पैच की गई वैक्सीन देश के 13 शहरों में पहुंच चुकी है। ये तस्वीरें लखनऊ की है जहां वैक्सीन को कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। लखनऊ में पुलिस वाले वैक्सीन की पहरेदारी कर रहे हैं। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंच चुकी है और नगरीय स्वास्थ्य केंद्र में इस वैक्सीन को रखा गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, तमाम सुरक्षा कर्मी यहाँ अत्याधुनिक असलहों के साथ तैयार हैं कि किसी भी स्थिति में यहाँ की सुरक्षा में कोई चूक न हो। PSC के जवान बड़ी संख्या में लगाए गए हैं। 3-लेयर सिक्योरिटी है। पहली सिक्योरिटी जहाँ वैक्सीन स्टोर में रखी गई है उसके गेट पर है, वहाँ पर सुरक्षाकर्मी तैनात है और उसके बाद बाहर इस हॉल में तमाम सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। इसके साथ ही बाहर गेट पर भी सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। लखनऊ में 1,60,000 वैक्सीन जो लखनऊ मंडल के लिए मंगाई गई है वो यहाँ रखी गई है। भारत सरकार ने सीरम की कोविशील्ड के 1,10,00,000 डोज और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के 38,50,000 डोज का ऑर्डर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में ये भी बताया है कि 4 और वैक्सीन पाइपलाइन में हैं। टीम न्यूज़ नेशन।